यारे दोस्तों, सर्दी की ठंडी रातों में कंबल ओढ़ कर सोने का मज़ा ही बहुत अलग है और ये बहुत खुशगवार एहसास होता है, सर्दी से बचने के लिए भी और सुकून की नींद के लिए भी। लेकिन सर को ढक कर सोने से बहुत नुकसानात भी होते हैं, जिसके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं रहता कि हमारी की गई इतनी छोटी सी गलती से हमें इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, याद रहे कि सर ढक कर सोने से दिमाग को सिर्फ उस वक्त तक ऑक्सीजन मिलती रहती है जब तक हम जागे रहते हैं, और जब हम सो जाते हैं तो हमारे अज़ा और दिमाग सुकून की हालत में आ जाता है और हमें ये महसूस नहीं रहता कि दिमाग के रेशे सिकुड़ रहे हैं। अब ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन दर हकीकत सोने के बाद दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती। इसके अलावा जिस्म में दाखिल होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा भी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कंबल सर पर ढक कर सोने से गुरेज करें, क्योंकि जहनी कमजोरी इंसान को जहनी माजूर बना देती है। कंबल का वजन ज्यादा होता है और यही वजह है कि जब हम सर से पांव तक कंबल ओढ़ कर सोते हैं तो इसका वजन भी महसूस होता है, जिससे सांस की मसाइल में इजाफा हो जाता है, क्योंकि हमारा निज़ाम तनफस कमज़ोर हो जाता है और जब हम कंबल उतार देते हैं तो सांस फौरी बहाल हो जाता है। कंबल में चूंकि रुई और दीगर धागों की पोली मरकबात इस्तेमाल होते हैं और वो मुकम्मल एक मैन्युफैक्चर करके बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर साफ हवा का गुजर नहीं हो पाता और पूरा सर ढक कर सोने से गंदी हवा ही इंसानी जिस्म के अंदर जाती रहती है, जिसकी वजह से ये नाक की ब्लॉकेज वगैरह भी हो जाती है। इस तरह सोने से हमारे बाल कमज़ोर पड़ जाते हैं और सर में खुश्की के मसाइल में इजाफा हो जाता है। उम्मीद करते हैं आज की छोटी सी काविश आपको पसंद आई है। ऐसी ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।